ओके सो हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड वेलकम बैक टू अपन के YouTube चैनल। सो यार, आई होप आपने इससे पहले वाले सारे व्लॉग देखे होंगे और आपको जरूर से मजा आई होगी। तो आज के व्लॉग में हम लोग जाने वाले एक स्पेशल थाली खाने, और आज हम थोड़ा घूमेंगे भी, मतलब अगर हुआ पॉसिबल तो, वरना मैं आपको हॉस्टल का एक टूर दे दूंगा छोटा सा। सो यार लेट्स गो, चलते हैं और मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, हॉस्टल का और फूड का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ तो खाने के लिए, और सुबह की शुरुआत ऐसी होती है ब्रो। तो चलते गाइस अभी और देखते, सबसे पहले पेट पूजा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइस ये जो हॉस्टल देख रहे हो आप पीछे, वो अभी रेडी हो रहा है फिलहाल। तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने हॉस्टल की कॉस्टिंग भी डाली है, मतलब पर बेड कितना रुपए से मिलता है, सो जरूर देखना। तो अभी आ गए अंजुना रोड, यहाँ पे शोर काफी ज्यादा है फिलहाल तो, और यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम है स्टारलाइट। अंजुना रोड पे आए, अभी कुछ तो खाएंगे क्योंकि खाना इम्पोर्टेंट है। हम लोग पहले खाते हैं फिर देखते हैं। अभी आए हम लोग स्टार लाइट रेस्टोरेंट में, और ये अंजुना रोड पे शायद से, और मुझे आज भी कल की तरह हॉस्टल में नए फ्रेंड मिल गए कुछ, मैं आपको मिलाना चाहूँगा उनसे। हाय। और ये भाई हैदराबाद से, यहाँ पे गोवा में सारी मतलब जितनी भी डिशेज है बिरयानी सबको जज करते हैं, जज यहाँ का। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाने वाले वेज थाली, मैं और शिवम, और इन्होंने लिए फिश थाली। तो 20 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली हमारी थाली आ चुकी है, और ये लोग ऐसे ही बैठे अभी तक। हम लोग ऐसे बैठे चम्मच हिला रहे। और कैसा है भाई? वेट नहीं हो रहा खाने का। हाँ फिर खा लेना। आने दो यार, साथ में खाएंगे ना। तो यहाँ पे थाली में है राइस, एक तंदूर रोटी, एक पापड़, और ये क्या है पता नहीं, ये अनारसा तो बोल रहा है, पर ये मराठी लोगों को ही पता रहेगा अनारसा क्या होता है। और यहाँ पे ये कोई तो सब्जी है, सलाद, दही और दो सब्जी, और ये क्या बोलते हैं, दाल, तांबड़ा रस्सा है, सोनकड़ी है ब्रो, सोनकड़ी। तो देखते अभी टेस्ट कैसी है, कैसी नहीं आपको भी बताऊंगा जरूर से। मस्त से खाना हो चुका और काफी सही थी, और राइस प्लेट या जो भी बोलते उसे प्लेट वेज थाली, हाँ राइट वेज थाली काफ़ी अच्छी थी, और अब भी यहाँ पे आ सकते हो। तो भाई कैसी लगी खा के? बहुत अच्छा लगा, अभी नींद आ रही है मेरे को और सोना है, और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो चलते अभी हॉस्टल, पहले मैं तो डेटा कॉपी करना है मुझे गोप्रो का, जिसमें अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो पहले अच्छा जी, फीस थाली होती ना ती एक नंबर होती, त्या सुरमईचा मोटा तुकड़ा होता आणि खेकडा होता आणि एक शाकचे एक हे होते आणि काही वेज पण होते। तर खेकडा जो होता ना तो जबरदस्त होता, सुरमई त्यापेक्षा थोडे कमी, आणि तुम्ही जर बोलाल ते शाक ते मो भाताबरोबर जबरदस्त सॉलिड, म्हणजे तुमचे 300 रुपये वसूल आहे। तुम्ही जर 20 थाळी घेतली 300 रुपये तुमचे एकदम तुमचं काम होऊन जाईल। तर फिश थाळी पण खूप भारी होती, आम्ही तर खाल्ली नाही कारण आज आम्हाला वेजच खायचं होतं। आता बघू उद्या परवा ट्राय करू, मतलब कल परसों ट्राई करेंगे फिश थाली। हॉर्न काफ़ी बजाते हैं यार यहाँ पे गोवा में लोग, हॉर्न काफ़ी ज़्यादा बजाते हैं। तो अभी जाते हैं हॉस्टल पे और मैं डेटा कॉपी करूँगा, फिर मिलता हूँ आप लोगों को। तो यार दबा के खाना खा लिया था, और यार अब लग रही थी नींद, तो हम लोग निकल पड़े हॉस्टल की ओर फिर से, और वहाँ पे जाने के बाद नींद कब लग गई पता ही नहीं चला।
और फिर हम लोग शाम को उठे। ये तो बहुत परेशान है टैक्सी के पैसों से, 1000 रुपए 2000 रुपए पूछ रहा है सिर्फ 20 किलोमीटर के लिए। अबे 20 किलोमीटर के लिए कोई देता है क्या भाई? कितना? 1000 रुपए देने का ब्रो? क्या इधर पे पागल है? 20 किलोमीटर तो मैं 400 रुपए में ट्रेन से जा रहा हूँ। गोवा माइल्स ऐप आले आले ना गोवा मध्ये इंस्टॉल करते तुम्हारा टैक्सी पाहिजे ना तर गोवा माइल्स ऐप हा एक में वो ऐप आहे। तो चालू किया है कैमरा? कैमरा चालू है? हाँ चालू है। कैमरा चालू है? हाँ कैमरा चालू है, चालू ही है वो। किती 59 हो ना? हाँ आता आम्ही इलेक्ट्रिशियन है, आता बारटेंडर इकडे हे बार बनणार आहे मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। हे साहेब आहेत, हे इकडचे पेंटर आहेत, मस्त गिटार पण वाजवतात ते। हाय हाय, त्याचं नाव जहांगीर आहे, जहांगीर सर आहे, मस्त पैकी पेंटिंग बनवतात ठीक आहे। ते इराण मधले आहेत आणि ते बीडी पितात मस्त पैकी, आहे की नाही? बीडी इज नाईस राईट, बीडी इज फर्स्ट क्लास। हां आणि हा मी आहे अक्षय दिंडे, आपला वैभवचा मित्र आहे। हे आपलं तुम्हाला एक छोटंसं हॉस्टेल दाखवतो आहे, तुम्हाला वाटेल काय मस्ती आहे पण बघा तुम्हाला। हां हे वरती मस्त लाईटिंग बिटिंग असे त्यांनी मस्त लावले, तुम्हाला कॅमेरामध्ये एवढं मजा येत नसेल पण बाथरूम ब्रो, बाथरूम तुम्हाला दाखवतो। हे बघा, हे आपलं ओपन किचन आहे, म्हणजे आज आम्ही इकडे 7 बर्गर बनवले आणि ते पण काहीतरी 25 मिनिटात। तुम्हाला जर स्पेशल बनवायचं तर बघा, आम्ही असं बघा ह्या पाव आले असा ह्या भेटतो 30 रुपयाला, 4 पाव भेटतात, 4 पाव भेटतात 150 रुपयाला भेटते पॅटी ठीक आहे। इकडे 8-11 करून दुकान आहे, तर जायचं। अरे पहिला हे कंप्लीट करता ना। हा सिराज आहे हैदराबादवाला आपला माणूस, तर मध्ये मध्ये आपल्याला डिस्टर्ब करत असतं पण त्याचं काही टेन्शन घेऊ नका। मी पहिला आपलं तुमचं जेवणाची सोय करतोय ठीक आहे। तुम्ही आणायचा बर्गर 450 त्या पॅट्या भेटतात, पॅट्या 8-11 करून शॉप आहे, इकडे गुगल मारायचं। हे असे मस्त बर्गरमध्ये जे पॅटे असते ना ते आणि तवा आहे, वो 450 रुपये का पॅटी का पॅकेट आता है, उसमें 15-20 पॅटी आती है मस्त एकदम चिकन की। वो 30 रुपये का ये वाला पाव आता है। और तुमको अगर ज़्यादा शौक है तुमको जानने का है, और फिर बर्गर सॉस आता है 15-20 रुपये का, आगे भी दिखा और टोमेटो सॉस है। मैं अभी तुमको बोलते ऐसे बोलते ऐसा ब्लॉगिंग ऐसे करते हैं। अच्छा सॉरी मेरे को पता नहीं था, मैं कभी ब्लॉग किया नहीं। उगड़े एसी वाली है? हाँ गाइस, एक रूम यहाँ पे ओपन है, आप लोग देख सकते हो एसी। यहाँ पे कोई तो रह रहा है इसलिए ज़्यादा लगेज यहाँ पे है अभी, और इस टाइप रूम है काफ़ी अच्छे, नीट एंड क्लीन रहते हैं ये जब मिलते हैं, बट बाद में इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। काफ़ी सही मिलते हैं और इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है। मतलब आप अगर आप लोगों को बजट में ट्रैवल करना है और काफ़ी दिन गोवा में रहना है तो आप ज़रूर से हॉस्टल चूज़ कर सकते हो। और गाइज आपको आगे का पोर्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे बार बनने वाला है और जो बार के ओनर है वो पता नहीं कहाँ पे गए। और गाइज मैं अभी अभी नहाया हूँ क्योंकि अभी हम लोग निकलने वाले थोड़ी देर में घूमने के लिए, तो कुछ ऐसा यहाँ पे काम चालू है अभी तक। और ये है राहुल सर, इनसे मिल लो, यही आपको मिलेंगे यहाँ पे। दारू पीने पिलाने का काम करते हैं, दो दो एक टाइम में ले लेते हैं तो अंदर लेते हैं ठीक है, तो उनसे थोड़ा बच के रहियो, वो पीने पिलाने का काम है उतना ही करियो। और यहाँ पे काम चल रहा है अभी भी, आप लोग देख सकते हो। और ये रेडी होने के बाद हम लोग रुकने वाले थे बट हमें जाना पड़ेगा अर्जेंटली, और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी सही बनने वाला है अभी। और अगले टाइम जब भी आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर से। ये स्टेज बनने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सिटिंग के लिए जगह बनने वाली काफ़ी अच्छी वाली, वो साइड किचन और वहाँ पे पार्किंग है, तो ये बात काफ़ी सही है, मुझे पसंद आई। तो गाइज अगर आप बजट में रहना चाहते हो, 400 रुपीज़ में पर पर्सन एसी का लिया था हमसे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, तो बजट में हो जाता है ट्रैवल। सो गाइज अभी हम लोग निकलने वाले जल्दी ही, सो मिलते हैं। तो यार शाम को हम लोग गए थे डिटोस लेन जो कि बागा बीच के पास है, और गाइज वहाँ पे सीन क्या हुआ, मेरी बैटरी लो गई गोप्रो की हर टाइम की तरह, तो मैंने कुछ फ़ोन से स्टोरीज निकाली है, तो यार देख लो। कॉकटेल्स एंड ड्रिंक्स, व्हाइट गोवा।
तो यार ये टिटोस लेन घूमने के बाद हम लोग गए बागा बीच पे, और यार वहाँ से गए फिर से हॉस्टल पे कुछ देर बाद। और यार हमारे साथ कल के व्लॉग में कुछ तो स्कैम हुआ था, वो मैं कल के व्लॉग में ज़रूर से दिखाऊंगा। सो गाइस स्टे ट्यून, जुड़े रहे। और यार क्या बताऊँ, काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस टट्टा बाय।